दोस्तों, आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार है कि हरियाणा में होमगार्ड के पदों पर नई भर्तियां कब तक आएंगी, तो उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है योगी स्मार्ट। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें क्योंकि हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। और दोस्तों, आप भी लगातार कमेंट करें कि हरियाणा में होमगार्ड के पदों पर नई भर्तियाँ कब तक आएंगी। तो दोस्तों, आपको ये तो पता है कि हरियाणा सरकार ने ठेकेदार प्रथा को बंद करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम का भी गठन कर दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी धांधलियाँ हो रही थी। और इसी प्रकार से हरियाणा की जो होमगार्ड की जो भर्ती होती है उसमें भी काफ़ी धांधलियाँ चलती हैं, तो इसी को लेकर अब हरियाणा सरकार ने इस भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जो आपकी हरियाणा पुलिस की भर्ती होती है उसी के आधार पर हरियाणा में होमगार्ड के पदों पर आपकी भर्ती रहने वाली है। इसमें भी लिखित परीक्षा होगी और जो आपका फिजिकल है वो भी इसमें लिया जाएगा। और लगभग दोस्तों स्टार्टिंग में 2000 पदों पर ही आपकी भर्ती रहने वाली है। और जल्द ही सरकार इसकी तैयारी कर रही है और जल्द ही इसके लिए जो है ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा क्योंकि सरकार बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है इस भर्ती को लेकर। शायद ये सीईटी की जो आपकी परीक्षा होगी उससे पहले भी इस भर्ती को करवाया जा सकता है क्योंकि जून महीने में तो आपकी सीईटी होना मुश्किल है क्योंकि लगातार न्यूज़पेपर में तो ये न्यूज़ आ रही है कि भाई सीईटी जून महीने में होगा, लेकिन दोस्तों इम्पॉसिबल है जून महीने में होना। आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में हो सकता है। ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में हो जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो युवा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा के लिए। और अब तो फिलहाल तो सीटी के लिए दोस्तों आज से लेकर और 10 तारीख तक तो जो एवरेज हो चुके हैं कैंडिडेट उनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और उसके बाद ही आगे देखते हैं कब तक ये रजिस्ट्रेशन होते हैं और उसके बाद आपका परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और परीक्षा का शेड्यूल जारी करने के बाद जो आपकी नियम जो शर्तें हैं वो भी आपको बता दी जाएंगी। और दोस्तों उसके बाद क्या है कि आपके जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर जो भर्तियां होनी हैं उसके एडवर्टाइजमेंट को जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपकी पक्की भर्ती थी, लेकिन ये जो होमगार्ड के पदों पर भर्ती है इस पर सरकार जो है वो तेज़ी से कार्य कर रही है। जल्द ही होमगार्ड के पदों पर नई भर्तियाँ आने वाली हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए क्योंकि इसमें भी अब की बार फिजिकल होने वाला है और इसमें भी आपकी लिखित परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।